नमस्कार, मैं प्रांजलि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। और अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामिया विनोद उपाध्याय की गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रदेश के बड़े माफियाओं में शामिल था विनोद उपाध्याय। अमेठी में थाना मुसाफिरखाना पुलिस ने हत्या के प्रयास में वांछित ब्रजेश सिंह और शिव कुमार सिंह नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमेठी में थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक के थौरी और मटियारी कला गांवों में आबकारी टीम ने दबिश दी। दबिश के दौरान टीम ने 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर करीब 150 किलोग्राम लैब मौके पर नष्ट किया। अमेठी में थाना मुंशीगंज और थाना पीपरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में दीपक गुप्ता, मकसूद और कन्हैया लाल यादव नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 बोलेरो गाड़ी, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और 33,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। अमेठी में जायज थाना के मौलवी कला गांव में दरवाजा लगाने को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच के मासी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब 22 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा और 2500 रुपए का अर्थदंड सुनाया है। बहराइच में थाना रूपई डीहा पुलिस ने 162 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ रघु सोनकर नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली सदर में मजदूर की हत्या के मामले में आरोपियों के घर पुलिस जेसीबी लेकर पहुंची। आपको बता दें कि हत्या के मामले में कुलदीप बाजपेयी और विकास दीक्षित नाम के 2 आरोपी फरार हैं। मेरठ में थाना खरखौदा के रहने वाले युवक को टूरिस्ट बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इन खबरों को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से YouTube के जरिए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।